मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के लेसन नंबर 6। जो भी हमारा इसके समकालीन भारत में जो शिक्षा आपकी एजुकेशन है, यानी कि हम जो रिसर्चिंग चिल्ड्रन वाली जो एजुकेशन थी, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, उसके हम सारे लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाली एजुकेशन के अंदर जो कि आपकी समकालीन भारत में शिक्षा है, इस एजुकेशन का लेसन नंबर 6 हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज आपको जो है इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। लेसन नंबर 1 में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है और पूरा लेसन क्या कहता है, तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है इसका इंट्रो, तो इंट्रो में बताया गया है भारत के संविधान में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो उसे अन्य देश के संविधानों से अलग करती है। तो देखो, आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लंबा संविधान है, व्यापक और विस्तृत संविधान है, और ये सफलतापूर्वक उन सभी विविध और जटिल समस्याओं का सामना करता है जो इसे लिखने और आजादी के बाद अपनाने के दौरान उठी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो संविधान को, यानी कि व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, उसके बाद से भी अगर हम बात करें कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से लेकर आज तक भी संविधान के अंतर्गत कोई भी जो है संविधान नहीं बदला हमारा, बस उसके अंदर जो है कुछ प्रावधान, उसके अंदर कुछ जो है क्या कहते हैं संशोधन किए जा चुके हैं बस, और बाकी हमारे संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आगे हम देखेंगे भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ और भारतीय संघ का आधार ही संघवाद की अवधारणा है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि भारत, ठीक है, और फिर भारत के अंदर जितने भी राज्य होते हैं वो, तो ये संघवाद। अब भारतीय संविधान में दो स्तरीय सरकारों का प्रावधान है, केंद्र सरकार और संघ सरकार, ठीक है, केंद्र और संघ जो है वो सेम है, और राज्य सरकार, राज्य सरकार का मतलब क्या है, पहले एक जैसे कि भारत की अगर हम बात करें बड़े, तो ये कौन सी होगी, संघ सरकार, जो कि पूरे उसको संभालते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अब मोदी क्या कर रहे हैं, मोदी जो है पूरे संघ सरकार के मालिक हैं। और राज्य सरकार क्या होती है, जो अलग अलग जगहों पर, जैसे मैंने कहा यूपी के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, वो आपके योगी जी, ठीक है। अब दिल्ली जो है हमारा, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के जो मुख्य है वो कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, वो है आपके अरविंद केजरीवाल। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार में तीसरा स्तर जो होता है वो पंचायत और नगर पालिका का होता है। अब संविधान के वैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य किया गया है। अब इनके पास तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे किस सूची में कौन सी चीजें आती हैं, तो आगे हम चल लेते हैं। शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण है और बंटवारा है, देखो विकेंद्रीकरण शिक्षा प्रणाली की दक्षता और शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता को स्थानीय लोगों की योजनाओं निर्णय लेने की शक्ति के जरिए सुधारने का एक माध्यम है। यहाँ पर बताया गया विकेंद्रीकरण यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है कि शिक्षा प्रणाली की एक ऐसी ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या करता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो निर्णय लेने की शक्ति है, इनके जरिए को सुधारना है। स्वशासन के जरिए, स्वशासन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शासन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, अपूर्ण रूप से ये स्वतंत्र हो, मतलब एक अच्छा शासन हो जहां पर जनता की बातों को सुना जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के अंदर आई थी, जिसमें क्या बताया गया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अर्थपूर्ण संबंधों की व्याख्या की गई है। नीति में वर्णित है कि 1976 के संवैधानिक संशोधन में शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल की गई है। अब ये समवर्ती सूची, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तीन सूची होती है, एक होती है आपकी राज्य सूची, सॉरी संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, और तीसरी होती है आपकी समवर्ती सूची। अब ये तीनों सूची के अंदर क्या क्या परिवर्तन है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, वो हम आगे यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा संघ और राज्य के मध्य विवाद की स्थिति में केंद्रीय सरकार जो होती है वो क्या करती है, सर्वोच्चता की स्वीकार की जाएगी। और शिक्षा की तीन सूची होती है, कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे है जो संघ सूची है आपकी, संघ सूची में 100 प्रविष्टियां हैं, जिसमें से 6 का संबंध किससे है, शिक्षा से दिया गया है, ठीक है। अब इस प्रविष्टि 13 के अंदर बताया गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उसमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन शामिल है, जो 13वीं प्रविष्टि है इसके अंदर यही बताया गया है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रविष्टि जो 62 है आपकी, इसके अंदर क्या बोला गया है, इसमें जो है आपका संविधान के प्रारूप पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः भागत वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही अन्य कोई संस्था, यानी कि बताया गया इन सब चीजों के बारे में। देखो आपके क्या है 62 के अंदर संविधान के, इसमें क्या बोला गया है कि जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होते हैं, भारतीय संग्रहालय होते हैं,
इंपीरियल होता है, युद्ध संग्रहालय होते हैं, विक्टोरिया स्मारक होते हैं, भारतीय युद्ध, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई है। ठीक है, अब 63 के अंदर क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं इसके अंदर मौजूद है। प्रविष्टि 64 के अंदर क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है कि जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीक शिक्षाएं संस्थाएं इसके अंदर शामिल है। के अंदर अगर हम बात करें प्रविष्टि 65 जो है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें वित्त व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण के लिए जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण आता है, विशेष अध्ययन अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए और अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए इसके अंदर ये सब चीजें इसमें आती है। अब उसके बाद में इसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं 66 के अंदर, इसमें क्या बताया गया, इसमें अनुसंधान और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो राज्य सूची आती है आपकी, राज्य सूची के अंदर क्या है, इसमें 61 प्रविष्टियां दी गई हैं जिसमें से शिक्षा को लेकर दो हैं, जैसे प्रविष्टि 12 जो है वो आपकी संग्रहालय पुस्तकालय राज्य द्वारा वित्त पोषित अन्य संस्थाएं ये सब शामिल हैं। और उसके बाद में 14 में बोला गया कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है। उसके बाद में सूची 3 में बताया गया है, इसमें 51 विषय शामिल हैं जिसमें कि 6 विषय शिक्षा से संबंधित है। अब वो जो 6 विषय हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कौन से वाला, जो हमारा प्रविष्टि है न्याय और न्यासी है, दूसरा 20 है इसमें आर्थिक और सामाजिक योजना, उसके बाद में आगे बताया गया 25 के अंदर इसमें 63, 64, 65, 66 के उपबंधों के अधीन रहते हैं शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा विश्वविद्यालय ये सब इसके अंदर शामिल है। अब जैसे ही हम बात करें इसके अंदर, हमने सूचियों के बारे में बात करा था, तो सूची पढ़ने के बाद में आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कौन सा है, पंचायती राज्य प्रणाली, इसमें गांधी जी की दृष्टि के बारे में बताया गया है। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनकी दृष्टि के बारे में, कि महात्मा गांधी औद्योगिक विकास मॉडल के प्रभावों और निहितार्थों को लेकर बहुत संकुचित थे, ठीक है ना, उनको उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्रम में विकेंद्रीकरण की जरूरतों पर बल दिया है। गांधी जी ये चाहते थे कि प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 1000 के आसपास हो वह उसी के मूल प्रतिनिधित्व के अधीन ही होनी चाहिए, तभी वह गणतंत्र की शक्ति का आनंद ले पाएंगे। एक छोटे से गांव समुदाय की वास्तविकता से परे महात्मा गांधी के शब्दों में उन्होंने बोला कि हम पंचायत राज्य यानी सच्चे लोकतंत्र के अपने सपने को साकार होते देखेंगे तो हम सब दीन और निम्नतम भारतीयों को भी भूमि के सबसे प्रभावशाली भारतीय के ही समान भारत के शासक के रूप में देखेंगे। यानी कि जो भी गांव है, ग्रामीण है, वहां पर जो शासक रहेगा वो कौन रहेगा, वो वहीं के जो लोग हैं वो वहीं रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर, तो गांधी जी की जो दृष्टि क्रोण के बारे में बताया गया उसके बाद देखेंगे। देखो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब गांधी के ग्राम स्वराज का जो स्वप्न था वो क्या था, वो एक दूसरे तरीके से बलवंत राय मेहता समिति 1957 की रिपोर्ट के प्रकाशन के रूप में हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 स्तरीय पंचायती राज स्थापना की बात की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रिकोणीय जो वो होता है आपका, ठीक है, त्रिकोणीय, जिसमें ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 40 को यह सुनिश्चित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और पिछले 50 वर्षों में सीमित सफलता के साथ में आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रभावी विकेंद्रीकरण लाने का प्रयास चलता रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये देखिए कि सन 1992 को देश की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक नया युग माना जाता है और 73वें संवैधानिक संशोधन में अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे की स्वीकृति दी गई है। विषय का स्थानांतरण इसके अंदर हम बात करते हैं, तो देखो 11वीं सूची में राज्य सूची के 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला गया है कि पंचायती राज संस्था के अंदर, इसमें बताया गया है कि 73वें संशोधन के अंदर, देखो आपको पता होगा 73वां संशोधन जो है वो ग्रामीण से और 74वां संशोधन जो है वो शहर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो 29 विषयों के बारे में यहाँ पर बोला गया है, इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की पंचायती राज संस्था की भागीदारी की सुविधा के लिए नए तौर तरीके राज्य सरकार विकसित कर रही है। अब ये सभी विषय अधिकांशतः स्थानीय स्तर के विकास और कल्याण से संबंध करते हैं। 11वीं अनुसूची के कुछ विषय जो कि शिक्षा से संबंधित है वो कौन कौन से हैं, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक और वयस्क औपचारिक शिक्षा और पुस्तकालय
और जैसा मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो संशोधन ज्यादा महत्वपूर्ण थे वो कौन कौन से, 73वां और 74वां। इन संशोधनों के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लाई गई थी। और 73वां संशोधन अधिनियम जो है 22 अप्रैल 1992 में, और 74वां संशोधन जो है वो आपका 1 जून 1993 लागू किया गया था। 73वें संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें 9वें भाग में पंचायत और 74वें संशोधन के तहत 9A में नगर पालिका को जोड़ा गया है। ये स्थानीय अंग पंचायत और नगर पालिका संविधान के 9 और 9A भाग में गणतंत्र भारत के 43 सालों बाद भारतीय संविधान में जुड़े हैं। अधिनियमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अब पंचायत और नगर पालिका को स्वशासन की संस्थाएं कहा जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारभूत इकाई ग्राम सभा और उसके वार्ड कमेटी के सभी सदस्य जो है वोटर के रूप में पंजीकृत होंगे। आगे देखिए, इसमें पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली जो है, त्रिस्तरीय प्रणाली क्या कहती है? त्रिस्तरीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका जो है त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर बताया गया है जैसे कि गांव, मध्यवर्ती, ब्लॉक, मंडल, तालुका, ये तीनों एक ही हैं, और जिला स्तर पर मौजूद होंगी और उन राज्यों को छोड़कर जिसमें 20 लाख से कम जनसंख्या मौजूद होगी, अनुच्छेद 243 खामे हैं। प्रत्येक स्तर की सीटें जो है प्रत्येक निर्वाचन से भरी जाएंगी। प्रत्येक पंचायत में हर स्तर पर अपनी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और अध्यक्ष के लिए स्थान आरक्षित होंगे। कुल सीटों का 1/3 सीट महिलाओं के आरक्षण होगा। ये आपका 11th क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, सेम वही है इसमें। और उसके आगे अगर हम देखते हैं इसमें तो नियमित 5 वर्ष की अवधि और अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी, और अगर चुनाव अनिवार्य 6 माह की अवधि के अंतर्गत आयोजित करवा देने चाहिए अगर विघटन की स्थिति हो तो, ठीक है। और राज्य के अधीक्षण, नेतृत्व और नियंत्रण के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनेगा, और पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करनी होगी। 74वें संशोधन के अनुसार जो है एक जिला योजना समिति पंचायत और नगर पालिका की योजना को संगठित करेगी, और लास्ट निधि राज्य सरकार से बजटीय आवंटन, राजस्व का हिस्सा, बढ़े हुए राज्य का संग्रहण, केंद्र सरकार कार्यक्रम और अनुदान, संघ वित्त आयोग अनुदान, ये सब इसके अंदर मौजूद होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जिला पंचायत। जिला पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पंचायत प्रत्यक्ष रूप से 1 या 2 या 3 सदस्यों को चुनती है। ब्लॉक पंचायत में प्रत्येक ब्लॉक पंचायत जो है वो आपके अंतर्गत 1, 2, 3 सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जिसमें प्रधान पंचायत ब्लॉक के पदेन सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत जो होती है आपकी, ऐसा क्षेत्र जो न्यूनतम 5 निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम वोटों की संख्या के आधार पर में विभाजित किया जाएगा, और वो ग्राम कहलाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक गांव कई गांवों का एक समूह। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित होगा। ग्राम सभा क्या होगी? ऐसा गांव जिसकी जनसंख्या 1500 से अधिक नहीं होती है वह ग्राम सभा बनता है, ठीक है, वो क्या बनता है? ग्राम सभा। तो ये आपका यहाँ पर टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आगे की वीडियो के लिए जो है आपको हमारे साथ बने रहना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सेकंड पार्ट यानी कि पूरी की पूरी जो ये 6th लेसन है आपका ये कवर करके जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।